Hello students, in today's class we are going to learn 6th and geography lesson number 3, that is comparing a globe and a map field visit. Students, इस वे हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. लेसन नंबर 1-2 का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्वेश्चन दिए गए हैं. डू इट योर सेल्फ पेज नंबर 16 लेसन, आपका जो लेसन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक में, उस पर जो क्वेश्चन है वो विच डिवाइस इज फ्लैट, सो हमें पता है मैप इज अ फ्लैट. विच डिवाइस इज स्फेरिकल, सो ग्लोब इज स्फेरिकल. विच ऑफ दीज डिवाइसेज अलाउज यू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम, मैप. ठीक है, मैप हम एक साथ पूरा देख सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो विच डिवाइस अलाउज यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, सो ग्लोब अलाउज अस टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल, सो मैप. ठीक है, और इसका क्या आंसर है, ग्लोब. पूरा आंसर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आंसर पूरा लिख लीजिए, अपने वर्कबुक में कंप्लीट करिए यहाँ पे. ओके, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन जरूर पूछना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग. यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है. स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसको जो आपको करेक्ट है, करेक्ट है तो राइट लिखना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखना है. लेकिन यहाँ पे राइट करके आपको वापस बताना है कि ये रॉन्ग क्यों है. स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है राइट वाला. ठीक है, द मून इज थ्री डायमेंशनल, राइट. अ ग्लोब कैन बी यूज टू स्टडी रीजन्स ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, रॉन्ग. ये ग्लोब है. ठीक है, क्या बोला गया है, ग्लोब कैन नॉट बी यूज टू स्टडी रीजन्स ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट. Answer the following question in one sentence each. What is a two-dimensional object? तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया आंसर. What is a three-dimensional object? तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे length, weight, height, means thickness is a three-dimensional object. Third का देखिए, which device will be suitable for understanding the concept of day and night on the earth? So globe. ठीक है, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर देख सकते हो. वीडियो पॉज करके पूरा आंसर लिख लीजिए. कोई डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो एंड तक देखना. ठीक है, और वीडियो पॉज करके आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इस तरीके से होल्ड करके रखती हूँ ताकि आप आंसर ईजिली देख सको और लिख सको. वॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू एंड थ्री डायमेंशनल डिवाइसेज डिड यू नोट, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स कैन बी शोन ऑन अ वेरी स्मॉल ग्लोब, आंसर दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट है यहाँ पे राइट इन ब्रीफ अबाउट अ फील्ड विजिट मेथड, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिया गया है. आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं आपको नीचे करके लिखना है. ठीक है, इस तरीके से मिक्स करके नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे मिक्स करके लिखा हुआ है. सो यहाँ पे क्या है, फील्ड विजिट क्या है, एजुकेशनल ट्रिप होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए. और फील्ड विजिट में अलग अलग प्लेसेस सच एज प्लेनेटोरियम, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, मॉल, हिल, सी कोस्ट एट्सेट्रा विजिटेड, ऐसी जगहों पर जाया जाता है. इन सब जगहों पर फील्ड विजिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टू ज्योग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ अ प्लेस, पता चलता है हमें. फील्ड विजिट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनायर्स, जो लाइक लोगों जो लोकल पीपल होते हैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. आंसर यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, पेपर, ब्लैक बोर्ड, लैंड, मैप एट्सेट्रा, टू डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल क्या है, डस्टर, बॉक्स, ग्लास, पॉट, हिल, मून, अर्थ, ग्लोब, ये सब क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं. डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी, मैप, ग्लोब. ओके, डिफरेंस बिटवीन मैप में और ग्लोब में दिया गया है. मैप क्या डिफरेंस, देखिए मैप क्या होता है, टू डायमेंशनल डिवाइस है स्टडी ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए. ग्लोब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल डिवाइस होता है. ठीक है, मैप यूज़ किया जा सकता है टू स्टडी रीजन्स ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, और यहाँ पे रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट मतलब ग्लोब कैन नॉट बी यूज टू स्टडी. अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक है, आप देख सकते हो.
स्टूडेंट्स कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। कोई और वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर का या फिर एक्सप्लेनेशन का तो आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर उस पर बना दूँगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट।